वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन आज ही से तकसीम की जा रही है और वैक्सीन की हवालगी की तकरीब में शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफीर मेहमान खसूसी शामिल थे। सिंध हुकूमत के पास तो वैक्सीन ही नहीं वफाक दे रहा है, सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर की शिकारपुर में गुफ्तगू, कहा बिलावल कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन, वजीर आला सिंध कहते थे भूख से कोई नहीं मरता, लेकिन वजीर आजम को आवाम की भूख का एहसास था। वफाक ने अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अरबों रुपए सूबों में तकसीम किए। सिंध की आवाम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से पूछते हैं आटा महंगा क्यों मिल रहा है। सूबे में पीटीआई की हुकूमत ही नहीं लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला, अदालत कहते हैं कि जमानत के कागजात तैयार कर लिए गए। हमजा शहबाज की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। और गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने दुनिया भर में धूम मचा दी, आईसीसी को भी सहरजदा कर दिया। आईसीसी ने स्टेडियम की तारीफों के पुल बांध दिए।